अयोध्या जनपद के रिकाबगंज स्थित कमला नेहरू भवन जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी अयोध्या द्वारा जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में किसानों के तमाम समस्याओं को लेकर डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े दामों इत्यादि को वापस लेने हेतु एक ज्ञापन सिटी मैजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल उत्तर प्रदेश को सौंपा गया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसानों की ओलावृष्टि के दौरान जो फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा मिलना चाहिए एवं बढ़े हुए गैस डीजल पेट्रोल के दाम वापस लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनके द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में अखिलेश यादव, राजेंद्र प्रताप सिंह, अकबर अली मेजर के साथ कांग्रेस पार्टी के दर्जनों युवा शामिल रहे। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की दामों में भारी गिरावट होने के बावजूद देश की हमारी गवर्नमेंट जो कहती थी कि अच्छे दिन लाने के वादा करके और उसके बावजूद कच्चा तेल का रेट घट रहा है और यहाँ तेल का रेट नहीं घटाया जा रहा, एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये बढ़ा दी गई, इससे कहीं ना कहीं किसानों और देश में के लोगों को, गरीबों की जेब को ढीली करने के लिए काम कर रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति महोदय को मांग की है कि आज जब हमारी सरकार थी कच्चा तेल 108 रुपये था, तब हम 71 रुपये में थे, आज 71 रुपये कच्चा तेल है, से भी कम है लगभग, उसके बावजूद भी 71 रुपये में है ना, तो इसलिए हमने मांग किया राष्ट्रपति महोदय से। इस पर किसानों की कांग्रेस पार्टी, किसानों और देश के नौजवानों के साथ हमारी पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय जयकुमार लल्लू जी ने साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है किसान नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगी। अगर नहीं मूल वृद्धि वापस ली जाती है, ओलावृष्टि जो हुई अभी हाल ही में कई सारे जनपदों में किसानों की बड़ी दुर्दशा हुई है और उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है, कुछ जगहों पे किसानों की मृत्यु भी हुई है, उनके परिवार को उचित मूल मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो जरूर कांग्रेस पार्टी इसके लिए बड़ा आंदोलन खड़े करने का काम करेगी।